दरबार नहीं मिला होता तो क्या होता, डॉक्टर साहब किडनी भी खा जाते धीरे धीरे कर करके। ये तुम्हारी किडनी की हालत है, देख लो, खा गए डॉक्टर साहब किडनी, डायलिसिस कोई इलाज नहीं, जो डायलिसिस कराते रहते हो महीने में 1-1.5 लाख देते हो जाके हर महीने। गुरुजी प्रणाम। खुश रही, ये तुम्हारे रोग कष्ट थे, तुम देख लो अपने, पूरा बंधे हुए थे, बुद्धि बंधी हुई थी, सब खा गए तुम्हारे पितर, बचा नहीं कुछ, डकार भी नहीं ली, खा गए। उसका चित्र बना के फोटो के लिए भेज दो, ये हमारा भी यूट्रस का बनाओ, फोटो के लिए भेज दो, अभी आ जाए। गुरुजी हम 3 साल से परेशान हैं और 3 महीने से हमारा डायलिसिस हो रहा है। हम 3 साल से परेशान और 3 महीने डायलिसिस हमारा हो रहा है। हाँ बच गए हो, ये पढ़ा, ये जो दिखाया गया इसको देखा नहीं? देखा जी, देख रहे हैं गुरुजी। ये क्या है इसमें, देखो कितना रोग कष्ट थे जो दरबार ने हटाए हैं। आ रहा है पढ़ने में? जी गुरुजी। इतने झगुआ भर के रोग तुम्हें, प्रोस्टेट में, तुम्हारे रेक्टम में, गुदा द्वार के अंदर, खून में और भोजन नली में, इतनी जगह कैंसर की स्मृतियाँ थी। जी बस हमको ठीक कर दिए गुरुजी साहब। जो अब कितना ठीक हो गए, और कोई कष्ट है भी तुम्हें, अब हो रहा कोई कष्ट? जी सबको तो चले गए। सप्ताह में डायलिसिस हमारा 3 बार होता है, दरबार नहीं आए होते तो क्या होता है? जी दरबार नहीं मिला होता तो क्या होता, डॉक्टर साहब किडनी भी खा जाते धीरे धीरे कर करके। जी ये तुम्हारी किडनी की हालत है, देख लो, खा गए डॉक्टर साहब किडनी, डायलिसिस कोई इलाज नहीं, जो डायलिसिस कराते रहते हो महीने में 1-1.5 लाख देते हो जाके हर महीने। देख लिया जी? हाँ, किडनी में अंदर घाव, सड़न होती जा रही, श्रिंक होती जा रही थी, है ना? अभी अच्छी, अभी को पसीना आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है? पसीने ग्रंथियां दरबार ने खोली है तो गंदगी निकलेगी। जी महाराज जी, ठीक है। ओम दरबार की ओर से 1 दिवसीय महावन को पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, सक्रिय कर दिया जाए, सुश्रुत सर्जरी कर दें इनके मस्तिष्क की और किडनी सर्जरी करके साफ कर दें, सड़े गले निकाल के नष्ट करके नायक लगा दीजिए, सोच लेपन कर। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन खींचो 7 बार। पसीना निकलना बंद हो गया था शरीर से जी, है? अब निकलेगा। अच्छा जी, तो जो गंदगी वहाँ की है वो सब बाहर निकलेगी जी, जो किडनी नहीं निकाल पाती थी, ठीक है जी? हाँ, आराम मिलेगा आपको, परेशान ना हो, खुश रहो, प्रणाम, खुश रहो, आपकी किडनी भी अच्छी होगी। लेपन करते रहना बैक में, कमर में, अच्छा, जहाँ किडनी का स्थान होता है वो ध्यान रखना, खुश रहो।